अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने अपने कल के सेशन में ITR 1 को स्टार्ट किया था। ITR 1 को हम लोग प्यार से सहज बुलाते थे, ये इसका निक नेम था। हम लोगों ने कल इस बात को समझा था कि इसमें तीन तरह की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि अगर हमारे किसी भी क्लाइंट की इनकम इन तीन इनकम के अलावा है तो उसको ITR 1 भरना अलाउड नहीं था। अब सर अगर ITR 1 भरना अलाउड नहीं है तो कौन सा ITR भरें? 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं या 4 भर सकते हैं, लेकिन 1 तो नहीं भर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके क्लाइंट को बिजनेस बिजनेस करता है आपका क्लाइंट, या मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसको कैपिटल गेन हुआ। इन दोनों ही केस में आपको ITR 1 भरना अलाउड नहीं है। सिर्फ तीन तरह की केस है, तीन तरह की इनकम है, जिसमें से सबसे पहली इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और दूसरी इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, और तीसरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये तीन इनकम अगर आपके क्लाइंट को सिर्फ है, सिर्फ ये तीन है, इसके अलावा कोई और नहीं है, तो आपको ITR 1 आपका क्लाइंट भर सकता है, आप ITR 1 भर सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब हमने इन तीनों में से सबसे पहले जो शुरू किया था वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू किया था। हमने कल के सेशन में ये बताया था कि हमारे यहाँ एक प्रवीण जी हैं और प्रवीण की के पास तीन प्रॉपर्टियां थी। उनकी एक प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, एक प्रॉपर्टी लखनऊ में थी और एक सीतापुर में थी। दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में वो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पर उठा दिया था, और लखनऊ वाली प्रॉपर्टी में वो खुद रहते थे, और सीतापुर की एक प्रॉपर्टी थी जो कि वेकेंट थी, जिसमें हमने कल ये बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को तीन भागों में बांट दिया गया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो खुद रहते हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ओनली वन प्रॉपर्टी शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द प्रवीण सर, आइदर इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी और इट इज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड ओनली वन प्रॉपर्टी विच शुड बी कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी इज सच प्रॉपर्टी इन विच द एसएससी इज रिजाइडिंग। इट मीन्स जहां पर वो बंदा खुद रह रहा है वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, जो कि लखनऊ की प्रॉपर्टी। इस लखनऊ की प्रॉपर्टी में क्या म्यूनसिपल, जब रेंटल वैल्यू जीरो है, रेंट कुछ आता नहीं है, उसके बाद जो म्यूनसिपल टैक्सेस का पेमेंट किया लखनऊ नगर निगम को या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। इसका मतलब नेट रेंट भी जीरो हो गया। जब ग्रॉस रेंट जीरो है और हाउस टैक्स कुछ दिया नहीं है तो नेट रेंट भी जीरो है। क्या यहाँ पर 30% के डिडक्शन की कोई बात होगी? द आंसर इज नो, नहीं होगी, हो भी नहीं सकती। जब कुछ रेंट मिला ही नहीं है तो डिडक्शन कहाँ से? देखिए डिडक्शन तो तभी मिलेगा ना जब कुछ रेंट होगा। इस प्रॉपर्टी में तो वो खुद ही रह रहे हैं, जब खुद ही रह रहे हैं तो वो रेंट क्या है? रेंट भी जीरो, डिडक्शन भी जीरो, हाउस टैक्स भी जीरो। ठीक हो गई बात। उन्होंने पे जरूर किया होगा, बस उसकी छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं तो उन्होंने पे नहीं किया होगा, पे तो किया है, उन्होंने लखनऊ नगर निगम को पे तो किया है, लेकिन छूट नहीं मिलेगी। डिडक्शन तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता, जब रेंटल वैल्यू है ही नहीं तो डिडक्शन कहाँ से मिलेगा। अगली बात, क्या उन्होंने अगर उस प्रॉपर्टी में 4 लाख का इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे किया है तो क्या पूरे 4 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा? द आंसर इज नो, 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा। एक्चुअल जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया हो या 2 लाख, दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज लोअर, उसका डिडक्शन मिलेगा। मान लो उन्होंने पूरे साल में सिर्फ 50,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो 50,000 या 2 लाख में से जो जो कम होगा, यानी कि 50,000, इसकी छूट मिल जाएगी। भाई जब उन्होंने रेंट, उन्होंने ब्याज ही 50,000 रुपए का दिया है तो छूट 2 लाख की कहाँ से दे देंगे? छूट तो उतनी ही देंगे ना जितना ब्याज दिया है उन्होंने। लेकिन अगर मान लो उन्होंने ब्याज 4 लाख का दिया है तो क्या 4 लाख की दे देंगे? नहीं भैया, मैक्सिमम 2 लाख की ही देंगे, 4 लाख की नहीं देंगे। ठीक हो गई बात। ये बात हमने कल समझी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। आगे चलते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में उन्होंने, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें वो 12 लाख रुपए का रेंट उठा रहे थे अपने दिल्ली की प्रॉपर्टी से। ये 12 लाख रुपए पूरे पूरे टैक्सेबल हो रहे थे। तब प्रवीण जी का झगड़ा हो गया निर्मला ताई के साथ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ। तो प्रवीण जी ने ये कहा कि 12 लाख रुपए की आप पूरी इनकम पर टैक्स लगा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? बच्चे की जान लेंगी आप, बताइए। मात्र 12 लाख रुपए ही तो मुझे मिल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है जिसमें मैंने 1.5 करोड़ रुपए
लोन पर लिया हुआ है जिसका मैं ब्याज 15 लाख रुपए साल का भरता हूँ, मैं जमा करता हूँ। बताइए, आपको शर्म नहीं आती है? आप, मेरी 12 लाख की इनकम है, इससे ज्यादा तो मैं ब्याज दे देता हूँ, इससे ज्यादा की तो मेरी ईएमआई है, उसका भी तो छूट दो। तो निर्मला ताई ने कहा कि हम छूट तो देंगे आपको, लेकिन बुद्धू नहीं है, आप मुझे बुद्धू मत बनाइए, ठीक है? आपने रेंट पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने प्रॉपर्टी भी तो बनाई, आपने प्रॉपर्टी भी तो बनाई, तो पूरा छूट का हम, पूरी ब्याज का हम छूट नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि 12 लाख का रेंट है, इट्स ओके। आपने जो हाउस प्रॉपर्टी हाउस टैक्स भरा, किसको? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है? जो अभी केजरीवाल जी जिसपे स्थापित है, उस वाली अथॉरिटी को, उस वाली अथॉरिटी को हाउस टैक्स दिया दिल्ली की प्रॉपर्टी में। मान लीजिए बहुत बढ़िया लोकेशन में प्रॉपर्टी थी, 50,000 का हाउस टैक्स जमा किया, उसका डिडक्शन हम आपको पूरा पूरा दे देंगे, एक्चुअल जितना आपने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पे किया। उसके बाद आएगा हमारा नेट रेंट। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपने प्रॉपर्टी में कुछ मरम्मत करवाई होगी, रिपेयर करवाया होगा पूरे साल में। जब एक किराएदार जाता है, दूसरा आता है, तो पूरे घर की व्हाइट वॉश होती है, पुताई होती है घर की, हिंदी में बोले तो, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो व्हाइट वॉश होती है, बढ़िया पुट्टी लगाई जाती है, फिर बढ़िया नैरो लेग का पेंट लगवाया जाता है उसके ऊपर, उसमें ही 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो क्या ये खर्चा अलाउ कर देंगे? अगर कर देते तो फिर तो प्रवीण जी अपने घर में बड़े बड़े दुबई से, जर्मनी से झूमर मंगवा लेते और बोलते ये मेंटेनेंस है, ये भी घर की जरूरत है मेरी, मेरा घर रॉयल दिखना चाहिए, मैं भी शेख हूँ, ठीक है? वो बोलते जर्मनी से मंगवा लेते झूमर बड़े बड़े। क्या ऐसा अगर होता तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करती? उन्होंने कहा ना बाबा ना, हम क्या करेंगे, जितना भी आपका नेट रेंट आ रहा है उसका 30% डिडक्शन दे देंगे फ्लैट। हम ये मानते हैं कि आपको रेंट को कमाने के लिए कुछ पैसा खर्चा करना पड़ा होगा, जो कि 30% बस हम आपको देते हैं फ्लैट, कोई अमाउंट नहीं बताया, जितना भी रेंट है माइनस म्युनिसिपल टैक्स जो भी बचा उसका 30% हम आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक हो गई बात। अब बात आई लोन पर, तो हमारे केस में प्रवीण जी ने 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ था, 1.5 करोड़ का लोन था, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बताओ इतना हैवी इंटरेस्ट। तो निर्मला ताई ने कहा कि ना बाबा मना, अगर हम पूरा पूरा अलाउ कर देंगे तो आप लोग तो हमें कुछ टैक्स जमा ही नहीं कराएंगे, आप लोग तो कुछ टैक्स जमा ही नहीं करवाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं बस हम 2 लाख तक का इंटरेस्ट ही अलाउ करेंगे। क्या बोला? बस 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट ही अलाउ, ठीक हो गई बात। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यही 3 बातें उन्होंने कही कि 50,000 का जो एक्चुअल म्युनिसिपल हाउस टैक्स था वो देंगे, 30% डिडक्शन देंगे और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट देंगे। आपको बात समझ में आ गई? ये सुनो, में कंफर्म करें, अभी सिर्फ कल का रिवीजन चल रहा है, मैंने अभी कोई नई बात नहीं बताई, मुझे बताइए आपको बात समझ यस में आ सर, गई, हम लोग आगे चले। यस सर, तो जोएब ने बोला यस सर, समझ में आ गई, अब बाकियों का कोई जवाब नहीं आया अभी तक। सत्यम का जवाब आ गया मेरे पास, सत्यम का जवाब आ गया मेरे पास, 2 लोगों का जवाब आ गया, शायद बाकी लोगों को अभी समझ में नहीं आया है। कंचन का भी जवाब आ गया मेरे पास, वैष्णवी का भी जवाब आ गया, बाकी के 2 लोगों को नहीं समझ में आया। कौन बच गया? अंकित बच गए, कोई बात नहीं, अंकित अभी शायद अभी तो क्लास में ज्वाइन हुए इसलिए नहीं भी हो सकता है समझ में, इट्स ओके, चलिए आगे चलते। उसके बाद हमने एक तीसरा जो भाग था हमने उसको बताया, वो था डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है अंकित, ये जवाब मुझे एक्सपेक्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो गई बात, क्योंकि ये सेशन लिम्ड सेशन है, मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ लेक्चर है, अभी हम सिर्फ कल का रिवीजन करवा रहे हैं, कल हमने ब्रीफ में इन सारी बातों को डिस्कस किया है, तो नहीं भी समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लेक्चर करना एलएमएस पर, सब समझ में आ जाएगा, ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, हमने एक तीसरा कंसेप्ट जो कल आपको बनाया था, जो कल एक बेस बनाया था, वो है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर मान न मान में तेरा मेहमान, प्रवीण जी की एक प्रॉपर्टी थी जो कि सीतापुर में स्थित थी। प्रवीण जी ने ये कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो रेंट पर उठी ही नहीं है, ये तो खाली पड़ी है, मैंने संपत्ति खरीद ली थी, मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, बहुत धन आ गया था, मैंने एक संपत्ति खरीद ली, लेकिन ये प्रॉपर्टी किराए पर है, किराए पर नहीं है, खाली पड़ी है, बंद पड़ी है, ताला लगा हुआ है। सरकार ने कहा अच्छा, अब मुझे उल्लू बना रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो, मुझे तो पता नहीं है कि प्रॉपर्टी रेंट पर है कि नहीं है, ठीक है, मैं तो जा करके देखूंगी नहीं। निर्मला ताई ने क्या कहा, मैं तो जा करके देखूंगी नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि एक नोशनल वैल्यू आपको बता देती हूँ, उस पर आपको आपको रेंटल वैल्यू डिक्लेयर करनी होगी। तो उन्होंने कहा ऐसा आप क्यों कर रही हैं? प्रवीण ने बोला कि जब मुझे मुझे कोई पैसा मिला ही नहीं तो मैं इनकम क्यों डिक्लेयर करूं? तो निर्मला ताई ने कहा देखो भैया, ऐसा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक ही हो सकती है, आपने लखनऊ वाली को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है, दिल्ली वाली को आपने रेंटल इनकम डिक्लेयर करा दिया है,
अब आप सीतापुर वाली को कह रहे हैं रेंटल है, ये खाली पड़ी हुई है। अरे खाली क्यों पड़ी है, इसको भी किराए पर उठाओ, जब आपको रहना नहीं है तो कम से कम किराए पर उठाओ, जो किराया आएगा वो किराया डिक्लेयर करो, मुझे टैक्स जमा कराओ। निर्मला ताई ने तो साफ दो टूक की कह दी। तो प्रवीण जी ने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है इसको किराए पर उठाने का, मैं खाली ही रखूंगा। तो निर्मला ताई ने क्या कहा, सीतापुर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी उनके डॉक्यूमेंट का, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का जो रेंटल वैल्यू आएगी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, हम उसको मानेंगे आपका नोशनल रेंट है। हमारे केस में जो सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो हमेशा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वैसे तो स्कूल की छुट्टियों के लिए जाना जाता है, लेकिन दो और काम भी करते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला काम होता है कि हर साल वो प्रॉपर्टी के रेट्स को, सर्कल रेट को नोटिफाई करते हैं। सीतापुर की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, जिस जिस वार्ड में आती है वो प्रॉपर्टी, वहां पर उनके प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से या पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो सर्कल रेट भी डिफाइन करते हैं, इसी के साथ रेंटल वैल्यू भी डिफाइन करते हैं। जब हम आपको ITR 3 कैपिटल गेन बताएंगे, कैपिटल गेन में एक जगह हम आपको बताएंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालना, वहां पर आपको हम सर्कल रेट दिखाएंगे। हम आपको अभी बता देते हैं कि हमारे क्लाइंट हैं यदुवीर सिंह जी, उनका ही हम एग्जाम्पल लेंगे, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उस केस में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी का सर्कल रेट कैसे निकालते हैं और रेंटल वैल्यू गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से कैसे निकालते हैं। वहां पर हम आपको याद भी दिलाएंगे कि हमने डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में ये बात पढ़ी हुई थी, ठीक हो गई बात। तो वहां पर मान लो हम गए, हमने वो रिकॉर्ड निकाला, वो रिकॉर्ड मिलेगा कैसे हम ये भी बताएंगे आपको, कि वो ऑनलाइन ही मिलता है ये रिकॉर्ड भी, ठीक हो गई बात। तो वहां पर हमें ये निकल के आया कि 5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से एक नोशनल रेंट डिक्लेयर किया है किसने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। 5 रुपए नोशनल वैल्यू है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और 2000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी थी, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 1,20,000 रुपीज पर ईयर, तो ये निकल गई सीतापुर वाली प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू, ठीक हो गई बात। 12 लाख रुपए दिल्ली वाली की प्रॉपर्टी की थी और सीतापुर वाले की 1,20,000 निकल गई। आपको मैंने तरीका निकालना बता दिया है, अब ये मिलेगी कैसे ये हम आपको ITR 3 के टॉपिक में बताएंगे, ठीक हो गई बात। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, मैं थोड़ी सी बात आगे और करूंगा, मुझे बताइए ये बात समझ में आ गई, मुझे एडवांस लेवल पर अब लेकर के जाना है आपको, मुझे आंसर करिए क्या ये बात समझ में आ गई। कंचन जी की बात समझ में आ गई, मुझे एक रिप्लाई मिल गया, यस बात समझ में आ गई, बाकी के लोग भी बताएं, अंकित ने भी बोला मुझे समझ में आ गई, बाकी के लोग भी बोले, सत्यम ने भी बोला मुझे समझ में आ गई, 3 लोग हो गए, जोएब और वैष्णवी, 2 लोग और कंफर्म कर दे जिससे हम आगे बढ़े। सर बात समझ में आ गई सर, एक बार वो बता दिए तरीका जैसे आपने बताया अभी, वैल्यू निकालना। क्या चीज नहीं समझ में आई तुम्हें? सर जो वैल्यू निकालना आपने अभी बताया ना, उसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? सर एक बार वो फिर से रिपीट कर दीजिए समझ में। बेटा कल के लेक्चर में हमने पूरा ब्रीफ में डिस्क्राइब किया है सारा, ये आज सिर्फ रिवीजन है, मैं आज कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ कल की ठीक है बात सर, करके सिर्फ रिवीजन करवाया है आज, ठीक है, अगर कल का लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाए, ठीक है, चलो। चलिए अब हम लोग आगे चल, हमें एक बात ये बताइए, एक एडवांस लेवल की क्वेरी आई जिसमें ये कहा गया कि आपने प्रॉपर्टियां अलग अलग थी सर, तो बड़ा आराम से बता दिया। मान लो एक सवाल जोएब ने हमसे पूछा, जोएब ने ये कहा कि सर ये जो आपने ना अलग अलग प्रॉपर्टी बताई है, सीतापुर, लखनऊ और दिल्ली, ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जोएब ने कहा कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस प्रॉपर्टी में रहता हूँ, उसमें नीचे की तरफ की जो दुकानें हैं मैंने उनको किराए पर उठा दिया है और ऊपर वाले माले में मैं रहता हूँ। अब बताइए सर क्या हुआ, एक ही प्रॉपर्टी के 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर में जोएब खुद रहते हैं ऊपर वाले में, और नीचे वाला फ्लोर जो जोएब का है वो दुकानें उन्होंने किराए पर उठा रखी है। अब सर बताइए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या ये लेट आउट प्रॉपर्टी है? खाली, मान लो जोएब के ऊपर वाला जो माला है, मतलब सेकेंड फ्लोर है, वो खाली है। अब बताइए सर क्या अब क्या एक प्रॉपर्टी तीनों जगह आएगी, SOP में भी, LOP में भी, DLOP में भी? ये एक एडवांस लेवल की क्वेरी, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं,
बल्कि ये कोर्ट से इसका जजमेंट आया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो कभी शायद इतना दूर तक का सोचा ही नहीं होगा। लेकिन ये बाद में जब जब बाद में कोर्ट केस लगे तब पता चला कि हाँ ये बात भी सही है, एक ही प्रॉपर्टी में तीनों केस हो सकता है। तो क्या माने, हम आपको बताते हैं एक कट शॉर्ट। अब मुझे नहीं पता आपका लॉजिक यहाँ पर क्या कहता है, एसओपी माने, एलओपी माने या डीएलओपी माने, लेकिन एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ अपने शब्दों में ये कहा कि इस प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक हो गई बात। उसका कारण ये है क्योंकि रेंटल वैल्यू आपको मिल रही है तो रेंट आप डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, आपको हाउस टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा, नेट रेंट आ जाएगा, उसके बाद 30% का आपको फ्लैट डिडक्शन भी मिल जाएगा जितना आपको रेंट मिला है, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। और अगर आपने मान लीजिए कोई लोन लिया है तो उसमें कोई लोन का 2 लाख तक का इंटरेस्ट भी आपको क्लेम मिल जाएगा। ना तो ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी, लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपके पूरे घर में, पूरे दुकान में एक भी दुकान या एक भी फ्लोर अगर किराए पर है तो उस पूरी प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। ठीक हो गई बात। ये तो बात थी, क्लियर कंसेप्ट था। उसके आगे चलते एक बात अब हमें और बताइए, एक क्वेरी का आंसर और कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अब अपने लाइव प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात बताना इसलिए जरूरी है ताकि एटलीस्ट आपको टॉपिक समझ में आ जाए। मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जोएब ने अपने किराएदार को, जोएब का एक किराएदार था, वो बेचारा किराएदार पिछले 5 सालों से जोएब की प्रॉपर्टी पर रहता था। ठीक है, मान लीजिए वो उसका नीचे दुकान वाला ही था, वो रहता था और उसका उसका जो ईयरली रेंट था वो था मात्र 6 लाख रुपए। ईयरली रेंट यानी कि मंथली रेंट कितना हुआ, मंथली हुआ 50,000 रुपए रेंट। ठीक हो गई बात। ये इस प्रॉपर्टी पर 2018 से रहता था, 2018 से रहता था, यानी कि इसको 2018 से उसकी दुकान खुली हुई थी। ठीक हो गई बात। अब 2020 में एंड 2021 में एक बड़ी दुर्घटना घटी, जिसको बोलते हैं कोविड, जिसको बोलते हैं कोविड-19। ये एक दुर्घटना घट गई जिसके चलते ये जो किराएदार था इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ 2 लाख रुपए जोएब को पे किया, सिर्फ 2 लाख रुपए जोएब को पे किया। ठीक हो गई बात। और 4 लाख रुपए का एरियर हो, 4 लाख रुपए का क्या हो गया, एरियर हो गया। जोएब के किराएदार ने ये नहीं कहा कि मैं किराया नहीं दूंगा, उसने कहा भैया मुझे, भैया मैं आपके यहाँ 2018 से हूं, कुछ तो रहम करो, मुझे बाहर मत निकालो। ठीक है, थालियां बज गई, घंटी बज गई, मोदी जी ने ये कह दिया कि किसी को मत निकालना अपने अपने घर, अपने दुकान से बाहर। ठीक हो गई बात। अपने घर से बाहर मत निकालना, अगर कोई किराएदार है तो उसकी मदद करना। थालियां घंटी खूब बजी। ठीक है, और ये जोएब के मन पे छा गई ये बात। ठीक है, उसने कहा हाँ मैं, मेरा दिल थोड़ा सा ऐसा हो गया, इमोशनल हो गया। उसने बोला ठीक है नहीं निकालूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकालूंगा तो किराया नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है भैया, है ना। उसने कहा ठीक है 2 लाख रुपए देते हो तो चलो दे दो 2 लाख रुपए, अभी कोरोना चल रहा है, हमको तो 2 लाख भी नहीं मिलेगा, 2 लाख दे दो, 4 लाख जो बच गया ये आगे दे देना। क्या बोला, 4 लाख जो बच गया वो आगे दे देना। अब मुझे बताइए, जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे किस साल की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो क्या करेंगे, आपका ग्रॉस रेंट कितना होगा। मुझे अपने लॉजिक से आंसर करिए, क्या 6 लाख होगा या 2 लाख होगा, मुझे जरा अपने लॉजिक से आंसर करिए कि आपका रेंट कितना माना जाए, मुझे जरा अपने लॉजिक से आंसर करके बताइए, जरा अमाउंट बताइए। सभी लोग टाइप करते, मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपने क्या समझा है। सभी लोग जरा अमाउंट बताएं कि आपका ग्रॉस रेंट कितना होना चाहिए, 6 लाख होना चाहिए या 2 लाख होना चाहिए, एक्चुअल जितना पैसा मिला वो होना चाहिए या जो नहीं मिला वो भी पैसा आपका रेंट में काउंट होना चाहिए, मुझे ये बताइए। सत्यम ने कहा 6 लाख होना चाहिए, कंचन जी ने कहा 2 लाख होना चाहिए, बाकी के लोग जरा आंसर कर दें, मुझे पास 2 जवाब आ गए हैं, सत्यम का 6 लाख, कंचन का 2 लाख।
बाकी के लोग आंसर करें, जोएब आंसर करें, अंकित आप भी आंसर कर सकते हैं, वैष्णवी आप भी आंसर करें। कंचन ने बोला करंट में दो होना चाहिए, लेटर में चार होना चाहिए। अंकित ने बोला दो होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक जवाब गलत आया, वो है सत्यम का जवाब। देखो सत्यम, अगर 6 लाख हम पूरा पूरा डाल लेंगे ना, तो फिर एरियर का टॉपिक पढ़ाएंगे ही नहीं, हम एरियर का टॉपिक पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब 6 पूरा था, 6 पूरा डाल दिया, तो एरियर तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसा कुछ पैसा बचा ही नहीं जो नहीं मिला, तो बाद में एरियर की बात कहां से आई। ये टॉपिक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर 6 की जगह 6 डाल दिया तो। ठीक है, तो 6 आंसर तो नहीं होना चाहिए। लॉजिकल आंसर तो ये है कि जितना पैसा मिला हम उतना डालें। ठीक हो गई बात, हमने सिर्फ 2 लाख रुपए डालना है। अब इसमें से लेस करेंगे क्या म्युनिसिपल टैक्स, उसके बाद हमारा नेट रेंट आ जाएगा। मान लो नेट रेंट हमारा 2 लाख ही है, म्युनिसिपल टैक्स कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम लेस करेंगे 30% के डिडक्शन, जो कि हो जाती है 60,000 रुपए, यानी कि हमारा टैक्सेबल टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी का हेड कितना हुआ, 1,40,000 रुपए। ये बात समझ में आ गई, ये बात है फाइनेंशियल ईयर कब की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात, मुझे बताइए बात समझ में आ गई, मुझे बताइए बात समझ में आ गई, यस यहां सर, तक की बात समझ में आ गई, सभी लोगों को समझ में आ गई। चलो जिसका आंसर गलत था वो अपना आंसर टैली कर लेंगे हमारे आंसर से, लेकिन अब मुद्दा ये नहीं है, अब मुद्दा ये नहीं है, अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये बचा हुआ 4 लाख मिलेगा तब क्या होगा। देखो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में दो पैसा मिलेगा, एक तो 6 लाख रुपए उस साल का ब्याज मिलेगा, सॉरी रेंट मिलेगा, जिस साल में उसने लिया है इसका ओरिजिनल रेंट, ओरिजिनल रेंट, और ये जो 4 लाख रुपए है ये एरियर रेंट है, ये एरियर रेंट मिलेगा। ठीक हो गई बात, एरियर रेंट मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है जरा ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट उस साल का कितना है 6 लाख रुपए, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स कितना, मान लो हमारे एग्जाम्पल में 0 है अभी कुछ नहीं, नेट रेंट कितना हुआ 6 लाख रुपए। अब हम लेस करेंगे 30% की डिडक्शन, 6 लाख का 30% कितना होता है जरा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए तो और बताइए तो, 6 लाख का 30% होता है 1,80,000 रुपए। ये लेस करने के बाद मान लो इसमें से हमें इंटरेस्ट भी लेस करना है, वो है 2 लाख रुपए। जरा ये लेस करो तो 6 लाख रुपए में से 1,80,000 माइनस करो और 2 लाख रुपए माइनस करो, तो टैक्सेबल टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 2,20,000 रुपए। जरा अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके हमें बताओ आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 लाख में से 1,80 लेस करो और 2 लाख लेस करो, 2,20 आएगा। अब मुद्दा शुरू होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई एरियर करंट रिसीव हुआ जो कि हमारे केस में 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ये हमको रिसीव हुआ, क्या ये 4 लाख रुपए पूरा पूरा 2,20,000 में जोड़ दिया जाए। मुझे जरा अपने लॉजिक से ये बात बताइए, हमारा इस साल का जो हाउस प्रॉपर्टी का हेड का आया जो टैक्सेबल रेंट आया वो आया 2,20,000 रुपए, क्या इसमें 4 लाख रुपए सीधा सीधा जोड़ दे, क्या 4 लाख रुपए सीधा सीधा जोड़ दे जो पैसा पुराना मिला है, या मेरा आंसर चेंज हुआ, या इसमें से हम 30% जो हम डिडक्शन देते हैं 4 लाख पर वो माइनस, या हम 4 लाख पर 30% माइनस, मुझे आंसर दीजिए क्या इसमें 30% माइनस होना चाहिए। भाई पहले जब हम 2 लाख ले थे तो 2 लाख में तो हम 30% माइनस कर दिए थे, अब उसका बचा हुआ ही तो 4 लाख मिला है, तो क्या इसमें से भी 30% माइनस कर दें या ना करें, मुझे इसका जवाब चाहिए आपके लॉजिक से, मुझे बताइए। कंचन ने बोला ना करें, क्यों ना करें, कारण बताइए, सभी लोग अपना अपना जवाब दें। सत्यम ने बोला जी सर 30% होगा, बाकी के लोग भी आंसर करें फटाफट, वैष्णवी आंसर करें, जोएब आंसर करें। ठीक है, जोएब ने बोला यस 30% लेस होगा, भाई क्यों नहीं होगा मुझे कारण बताइए। भाई ऊपर वाली इनकम में, ऊपर वाली इनकम में सिर्फ 2 ही लाख तो लिया था, 2 लाख में ही तो 30% का डिडक्शन दिया था, अगर हम यहाँ पूरा 6 लाख ले लेते और पूरे 6 लाख में 30% का डिडक्शन देते तब तो हमारा ये लॉजिक सही होता कि भाई अब हम नहीं देंगे, पहले आप ले चुके हैं, लेकिन जब उस 4 लाख पर पहले 30% का फायदा नहीं लिया तो अब तो लेना पड़ेगा, बोलो ना भैया, अब तो लेना पड़ेगा। अंकित ने भी बोला यस है,
अब आंसर सही हुआ पेंशन का, तो भैया इस 4 लाख पे छूट कभी ना कभी तो दोगे, या तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में दे देते, तब नहीं दिया था तो 20-21 में दे दो, 21-22 में दे दो, 20-21 में अगर नहीं ले पाए थे तो 21-22 में ले लो, द आंसर इज यस होगा। तो 4 लाख में से 30% माइनस करिए तो ये हो गया 2,80,000। तो अब यहाँ पर दो तरह की इनकम पर टैक्स लगेगा, एक तो 2,20,000 जो कि इस साल की है, और प्लस 2,80,000 रुपए जो कि पिछले पिछले साल साल के एरियर कर है। टोटल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक हो गई बात? देखिए शुरुआत करी थी 6 लाख से और खत्म हुआ है 5 लाख। तो ये सिनेरियो आपके केस टू केस चीजों को चेंज करता है। ठीक हो गई बात? मुझे लगता है मैंने आपको सारी बातें अब बता दी हैं हाउस प्रॉपर्टी के हेड की। अब हम लोग अपने ऑनलाइन पोर्टल पर चल के ITR 1 को कैसे कैसे इन्हीं सारी बात को कैसे ऑनलाइन हमें फिल करना है, हम इसकी चर्चा चलिए।